आप देख रहे हैं LT News 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। ये मेरे हस्बैंड है सैयद नईम, जो विजयवाड़ा भवानीपुरम में है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हायर ऑफिशियल से कि इनका पासपोर्ट पहले सीज करवाए, वरना और लड़के उनकी जिंदगियां खराब हो सकते। मेरे को सिर्फ इस्तेमाल करें पैसों के लिए, इनो और इनके माँ बाप तीनों इस्तेमाल करें, पैसे बना लें। पैसों के वजह से घर लिए 30 लाख का नूलका पेट में, अब दूसरे घर नहीं देती बोलकर बोली, मना करी, 1 साल का मोहलत ली, तो मेरे को मारने के लिए, जान से मारने के लिए कॉन्स्पिरेंसी प्लान करे, जो कि मैं PS में ऑलरेडी एविडेंस रख दी। मैं इंसाफ होना है, ये बंदे को सख्त से सख्त सजा मिले। ये पैसों का और लड़कियों का भूखा है। एक लड़की नहीं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है ये डेली, इसका भी एविडेंस मैं ऑलरेडी PS में रख दी, आगे भी लेकर जाती हूँ कोर्ट में। मैं इतना ही दरख्वास्त कर रही हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले, पहले इसको इंडिया में रोके, कहीं भागना जाइए। मैं पुलिस से इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोबारा, इसका पासपोर्ट पहले रुका दो, वरना ये दूसरे लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर देता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एसरा सुल्ताना एडवोकेट हैदराबाद विजयनगर कॉलोनी में रहती हूँ जी। रेशमा सुल्ताना मेरे पास आए थे रिगार्डिंग ये केस के लिए, जो इनके साथ जो कुछ हो गया, इनके फादर और इनके रेशमा सुल्ताना दोनों आए थे मेरे पास जी। अभी तो FIR तो बुक हो गया, उसके आगे का जो भी है अभी केस में फॉलोअप होएगा, कोर्ट में गए फॉलोअप होएगा केस, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा एक्शन लेना बोल के है मेरे को भी। इनका केस जो भी है मेरे से जितना भी हो सका अच्छे से करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक क्या कर रही हूँ? अभी तक तो 498(1)A हो गया, 506(1)(2) सेक्शंस है इनके ऊपर अभी। अभी जो एलिगेशंस लगाए जी, वो एलिगेशन सही है, करेक्ट है उसके? एलिगेशंस तो पूरे प्रूफ्स है मेरे पास, ऑल प्रूफ्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग प्रूफ्स है मेरे पास। इंशाल्लाह केस जब भी फॉरवर्ड होएगा, मैं प्रूफ, आई विल प्रूफ इट इन कोर्ट ऑफ लॉ, आई विल प्रूफ इट। ओके, नाम क्या है आपके क्लाइंट के हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम नईम, सैयद नईम, सैयद नईम जी। और आपका नाम है? मेरा असरा सुल्ताना एडवोकेट है विजयनगर कॉलोनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा सुल्ताना है। मेरी शादी हुई थी 2016 अप्रैल 24 MGM फंक्शन हॉल में, अरेंज मैरिज थी। इनके रिश्तेदार हैदराबाद में थे, करीमुल्ला सैयद, उन्होंने रिश्ता लगाए थे, उनके तरफ से हम ओके करें। उनकी कंडीशन थी शादी के वक्त कि बच्ची पढ़ी लिखी रहना, दुबई में जॉब करना, हस्बैंड के साथ रहना, ठीक है लिखी रहना, दुबई में जॉब करना, हस्बैंड के साथ रहना, ठीक है बोल के हम शादी करें। मैं अक्टूबर 2019 दुबई गई थी, उससे पहले हस्बैंड बहुत दफ़ा, शादी हुआ सो 8 दिन में ही टॉर्चर करना शुरू कर दिए, पैसे मेरे एक्सपेंसेस में ही कुछ उठाओ बोलकर, या अम्मी अब्बा से पूछ के लो, तुम अपना चलाओ, मैं नहीं देता बोलकर। एक बार नागोल में शादी हुई सो 8 दिन में ही मेरे को जी, ये मेरे हस्बैंड है सैयद नईम, तो इन्होंने रहते विजयवाड़ा में भवानीपुरम कामाकोटी नगर, तो 8 दिन में ही, 8वें दिन में ही मेरे को नागोल पे आधे रास्ते में छोड़ दिए और ऑटो में चले गए खुद, पैसे नहीं देती बोलकर बोली, तो आधी रात में छोड़ दिए। फिर मैं अब्बा को कॉल करी और खुद अकेली घर आई, वो हो गया तो मैं दुबई को गई थी। अब पूरा सैलरी जो भी था उन्होंने हाथ में देना बोले, ठीक है बोलकर दे दी। एक दिन मैं पूछी सिर्फ मेरे एक्सपेंसेस के लिए कि मेरे को सैनिटरी होना मंथली एक्सपेंसेस के लिए, तो कार में से धक्का दे दिए, मेरे को कुछ पूछना नहीं, सवाल जवाब नहीं करना बोलकर, रनिंग कार से, बट कार सीट बेल्ट होने की वजह से मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो पार्किंग में रोक के नीचे गिरा दिए मेरे को और खुद चले गए आधी रात छोड़कर। दुबई देरा में रहती थी मैं, अलगुरेर मॉल के पास, जहाँ पे फातिमा बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग का नाम है। ये सारा हो गया, हर मंथली मेरे को मेंटल टॉर्चर करते थे, पैसे आने से पहले, सैलरी देने से पहले बहुत ज़्यादा मारे। जब मैं पूछी उनको घर कई को लेट आ रहे तुम, मेरे को मालूम नहीं हुआ इन्होंने कई को लेट आ रहे थे पहले घर। अब फिर मैं बीच में 2019 में प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए इधर आई, 1 रुपया भी खर्चा नहीं दिए, 1.5-2 लाख अम्मी पूरा डिलीवरी कराए, अम्मी अब्बा कामनिनी हॉस्पिटल LB नगर पे। उसके बाद मैं वापस गई September 12, 2021 दुबई वापस। जब उधर गई तो बैड इंटेंडेंट एम्प्लॉयर के साथ काम करो बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने मेरे को 5,000 सैलरी दे रहा था,
उसकी नीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मेरे को प्रेशर कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। मेरे को चार दिन बच्चे को, मेरे को चार दिन भूखा रख दिए मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी बोलकर। उसके बावजूद मैं कहीं और ज्वाइन करी टूरिज्म में, 2500 दिरहम सैलरी। उसके बाद उन्होंने घर आना, सेम ऐसे चल रहा था।